जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लेक्चर में हम SSC MTS 2023 के लिए PVS क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो GK GS के होंगे। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो 10 में से 9 करके दिखाओ। यानी आपको क्या करना है, 10 में से अगर आप लोग 9 कर लेते हैं, 10 में से अगर आप लोग 9 कर लेते हैं तो आपकी तैयारी क्या है, पूरी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर में कमेंट करिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप क्वेश्चन वीडियो के कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा। और 10 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोग लिखिएगा। कैसे लिखना है यहाँ पे देख लीजिए, 10 उसके बाद कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए लिखा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टंकेश्वर हजारी बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, सत्रिया में। किसमें, सत्रिया में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा थे। ठीक है, यानी उड़ीसी डांस फॉर्म अर्जिनली बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर उड़ीसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। ठीक है, किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं, आपको यही पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐहोल की राजधानी थी, ऐहोल किसकी राजधानी थी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्यों की। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थी, चालुक्यों की राजधानी थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, किनके बीच लाहौर की संधि हस्ताक्षर हुए आपसे बताना है, महारानी चांद कौर, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा खड़ग सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, महाराजा दिलीप सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बताना है, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। ठीक है, तो चलिए
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म? प्रणब मुखर्जी, एम जी अकबर, सीता राम सेचुरी या जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सीताराम येचुरी। ठीक है, सीताराम येचुरी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन कौन सा राज्य 2023 के पुरुष हॉकी पुरस्कार की मेज़बानी करेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा भारत की 2023 हॉकी पुरुष हॉकी की मेज़बानी करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी आप लोग पिक कर लीजिएगा और आप लोग सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो अब बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब आपको इसी तरीके से और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे फ्रेंड्स। इसका यही फ़ायदा रहेगा बेल आइकन को प्रेस करने का, वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, प्रतिदिन 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमें पर्सनल कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जीएस के कुछ लेक्चर अवेलेबल है इस चैनल पे और मैथ के भी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये चैनल का लोगो है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू स्टूडेंट।